हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी 2022 बुधवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान 10 महाविद्याओं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बंगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से 7:07 तक है। इस शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित करना फलदायी रहेगा। ओम वरुणस्य उत्तम भानमसी वरुणस्य स्कापसजनि स्थो वरुणस्य ऋत्सदनसि वरुणस्य ऋत्सदनमसि वरुणस्य ऋत्सदनमासीद। इस मंत्र को बोलते हुए कलश में पूरा जल भर दें। कलश में क्या क्या डालें? इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में पानी, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमुम, दुर्वा कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। कलश स्थापना कैसे करें? एक नारियल में चुनरी लपेट दें और कलश के मुख पर मौली बांधे। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुर्वा और रुपए का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर नारियल रखें और फिर इस कलश को दुर्गा की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद देवी का आह्वान करें। पूजा के बाद नारियल का क्या करना चाहिए? पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी गणेश मंदिर में अर्पित कर दें। साथ ही श्री गणेश से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा कम से कम 5 शुक्रवार करें। माता रानी की स्थापना कैसे की जाती है? नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। तारांकन लकड़ी की एक चौकी को गंगाजल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। तारांकन साफ कपड़े से पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। तारांकन इसे कलश के दाईं तरफ रखें। रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। द्वितीया, लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। तृतीया, दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना शुभ होता है। इससे दुखों की मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चार, माँ दुर्गा को नवरात्रि के 4th दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। 5वां दिन माँ स्कंदमाता की पूजा और भोग। माता स्कंदमाता को केला प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन भोग लगाते समय विशेष रूप से केले का भोग लगाएं। इससे माता की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है और करियर में ग्रोथ मिलती है और लोग अपने अपने चित्रों में तरक्की को हासिल करते हैं। देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 6th दिन शहद और मीठा का भोग लगाएं। इससे धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के आखिरी अर्थात 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि नवमी के दिन तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका खत्म होती है। नवरात्रि में व्रत रखने से क्या होता है? सुख समृद्धि के साथ मानसिक स्वास्थ्य की होती है प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है तथा अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है।